أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. पेपर 5 को जरा देखते हैं. पेपर 5 में दो किस्म के क्वेश्चन आते हैं आपके पास. सबसे पहला जो होता है वो प्लानिंग का होता है, और दूसरा जो होता है वो एनालिसिस कंक्लूजन एंड इवेल्युएशन का होता है. ठीक है. और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 30 होते हैं, और अराउंड हम कहते हैं कि ये जो होता है ये आपका 1 आवर का पेपर होता है. ठीक है. सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स की बात करते हैं, तो हम एपरेटस को देखेंगे. ये जो एपरेटस है, ये रिटार्ट स्टैंड आपको यहाँ पे शो किया हुआ है मैंने, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एपरेटस होता है लेबॉरेटरी के अंदर. ये कुछ कॉमन एपरेटस हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं आपकी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर. ठीक है. तो बुझे. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीकर्स की. जो सबसे पहले हमारे पास बीकर्स में कंटेनर्स की, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है बीकर. बीकर जो होता है वो मेजरमेंट के लिए नहीं होता, स्टोर सॉल्यूशंस एनी सब्सटेंसेस और विगरस रिएक्शंस के लिए ये कोई सूटेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें स्पिलेज के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है. और सॉल्यूशंस बनाने में, डिजॉल्व करने में, ठीक है, हीटिंग में, वाटर बाथ में ये काम आ जाता है, और ना इसके अंदर हम जो है वो कोई गैसेज वगैरह भी कलेक्ट नहीं कर सकते. उसके बाद हमारे पास जो चीज आती है वो है कॉनिकल फ्लास्क. ठीक है. कॉनिकल फ्लास्क बहुत सूटेबल है, हर किस्म का रिएक्शन जो है वो कॉनिकल फ्लास्क के थ्रू ही हो रहा होता है. कॉनिकल फ्लास्क इज द मोस्ट कॉमन इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है. इसमें कोई स्पिलेज वगैरह भी नहीं होती, और गैस कलेक्शन भी हो जाती है. स्टॉपर भी डालना आसान होता है, ट्यूब भी डालनी आसान होती है, और इट इज फ्रीक्वेंटली यूज फॉर टाइट्रेशन. तीसरा जो इक्विपमेंट है वो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. ठीक है. ये 250 cm क्यूब का होता है, यूज फॉर मेकिंग सोल्यूशंस. ठीक है. उसके बाद जो हमारे पास है वो है टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब जो होती है, इट इज यूज टू टेस्ट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉइलिंग ट्यूब, और यूज फॉर डीकम्पोजिशन और हीटिंग सब्सटेंसेस. ठीक है. उसके बाद जो दूसरा है, फोर्थ है, वो है राउंड बॉटम फ्लास्क, जो कि हीटिंग सोल्यूशन में काम आता है. और ये आप देख सकते हैं कि उसके साथ जो है वो राउंड बॉटम फ्लास्क एक रिटार्ट स्टैंड के साथ लगा हुआ है, और ये रिटार्ड स्टैंड की भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाई थी. ठीक हो गया. अब जो है वो हम आगे बात करते हैं, और आगे जो है वो है मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन. तो ब्यूरेट में क्या होता है, देखो ये जो है ना, ये आपकी ब्यूरेट है. ठीक है. ब्यूरेट जो होती है, इट इज वेरी वेरी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस जो है वो ये मेजर कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम 24.50. ठीक है. ये जो है, ये आप देख सकते हैं ब्यूरेट की रीडिंग शो हुई है. इसमें आप देख सकते हो कि आपको मैंने ये चीज़ एक शो की है कि मिनिस्कस की बात हुई है, कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे. कि ये जो है, ये आप शो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास मेनिस्कस बनी हुई है, और मेनिस्कस को जो है ना वो हम उसके हिसाब से ही इसको स्टडी करते हैं. ठीक है. और कलरलेस सोल्यूशन होती है तो लोअर मेनिस्कस को यूज करते हैं, और अगर कलर्ड सोल्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल कि MnO4 डाल दिया आपने, तो उसको जो है ना वो हम अपर मेनिस्कस को इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. पैरेलेक्स एरर को अवॉइड करने के लिए हम इसको डायरेक्टली सेम लेवल के ऊपर आके रीड करेंगे, जितना हम लेवल यूज करते हैं रीडिंग के दौरान करेंगे. ठीक है. तो ये मेनिस्कस का आपने लाजमी ख्याल रखना है. उसके बाद जब हम टाइट्रेशन वगैरह करते हैं, तो उसमें हम जो टेबल बनाते हैं, उस टेबल की जो शेप होती है वो कुछ इस तरह होती है. सबसे पहले हमें इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग लिखना होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 0.10 लिखा है, फिर फाइनल ब्यूरेट रीडिंग, और फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. उन दोनों को माइनस करके जो आएगा हमने वो लिख देना है. ठीक है. जी, ये थोड़ी सी एरर्स के बारे में बात करेंगे. एरर जो है वो ऐड हो जाएंगे सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो ये उसको आप यूज कीजिए. उसके बाद हम बात करते हैं परसेंटेज एरर की. सो परसेंटेज एरर जो है वो किस तरह हम निकालते हैं. हम परसेंटेज एरर इस तरह निकालते हैं कि एरर है
एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू और फिर देन इक्वल्स टू योर इन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। सो इससे आपका जो है ना वो परसेंटेज एरर निकल आएगा, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के लिए भी है कि अगर वैल्यू जो है वो 25.10 प्लस माइनस 0.1 है, तो उसका परसेंटेज एरर क्या होगा, 0.1 ओवर 25.10 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0.393, थ्री ठीक है। चलिए, बिगर मेजरमेंट्स हैव लोअर परसेंटेज एरर, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। अब जो है वो हम पिपेट की बात करते हैं, ब्यूरेट की बात होगी। अब पिपेट की बात जब हम करते हैं तो ये जो आपके पास डायग्राम है, ये है आपके पास पिपेट, और पिपेट के ऊपर जो ये है सेफ्टी डिवाइस है फॉर फिलिंग अप ब्यूरेट, इसको हम पिपेट फिलर कहते हैं, ठीक है। और ये भी एक्यूरेट होता है लेकिन स्लो होता है, ठीक है। और ये जो लाइन शो की हुई है ना इस पिपेट के ऊपर, ये वाली, ये जो आपको नजर भी आ रही होगी जिसके साथ एरो बना हुआ है, ये लाइन जो होती है ये यहाँ तक डिनोट करती है कि 25 cm³ हो चुके हैं, और 25 cm³ जो है वो पिपेट की वैल्यू होती है, ठीक है। पिपेट इज यूज टू ट्रांसफर लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू एन एरर, बहुत एक्यूरेट होता है, और एरर ज्यादा से ज्यादा प्लस माइनस 0.06 cm³ का आता है। मैजिक सिलेंडर की बात करें तो ये फास्ट होता है लेकिन ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है। हीटिंग में हम जो है वो जो चीज इस्तेमाल करते हैं वो है बेंसन बर्नर, बेंसन बर्नर ये शो होगा अगर लेबोरेटरी में, बहुत कॉमन एक्सपेरेटर्स है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग हीटिंग या डीकम्पोजिशन या बॉइलिंग में इस्तेमाल होता है, 800°C टू 1000°C तक ये जो ना वो बॉयल कर सकता है, और हीट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, ठीक है। ये बात ऑफकोर्स थोड़ी कॉमन सेंस की बात है, आप यहाँ पे देख के भी इसको अंदाजा लगा सकते हो कि देखो कि जब आपके पास यहाँ पे एक सिंगल उसमें एक पॉइंटेड हीट आए, तो वो अगर आपने यहाँ पे रखा हुआ है तो वो हीट जो है वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। उसकी वजह से जो है वो फिर हम ये क्लियर ट्रायंगल और वायर गॉज रख के हम इसको फ्लेम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। ये जो वायर गॉज होती है इट डिस्ट्रीब्यूट फ्लेम, और क्लियर ट्रायंगल जो है वो इसके ऊपर रखते हैं ताकि जो भी हमने फॉर एग्जाम्पल फिर ये सिरेमिक क्रुकेबल रखा हुआ है तो वो उसके ऊपर से हिले ना, वो उधर ही अपनी पोजीशन पे रहे, ठीक है। ठीक हो गया। अब जो है वो हम आगे आते हैं, तो ये जो है ये आप देख सकते हो कि ये बेंसन बर्नर की पर बॉइलिंग ट्यूब है, और इसने हाथ में एक फोर्सेप या टोंग, इसको आप कह सकते हैं, वो इस टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये दिस इज अ ग्लास, तो वो ग्लास से हीट होगा तो वो ग्लास जो है वो काफी गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हीटिंग का एक तरीका तो ये बेंसन बर्नर था, दूसरा तरीका जो था वो जेंट इलेक्ट्रिक हीटर विथ थर्मोस्टेट है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, बिजली से हीट कर देगा, ठीक है। दूसरा तरीका जो है वो वाटर बाथ है, वाटर बाथ जो होता है वो जेंटल हीटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, और 100°C से कम टेम्परेचर में अगर आपने वो करना है तो आप वाटर बाथ यूज करते हैं, थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड होता है ये, ठीक है। और अब इसमें जो है वो वाटर डालने का पर्पज क्या है, वाटर डालने का पर्पज ये है कि वाटर चेंजेस द टेम्परेचर वेरी स्लोली, ठीक है, जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो बहुत आराम आराम से होगा, ठीक है। अब एरर वेल हीटिंग जो है वो क्या हो सकते हैं जी, हीट लॉस हो सकता है, ठीक है। उसके लिए आप इंसुलेटिंग जैकेट, स्टायरोफोम का लिड डाल दो, ठीक है, जल्दी रीडिंग जल्दी ले लो, आप वो कर सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर अगर डिक्रीज करना है तो हम आइस बाथ में रख देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर उसमें हमारा डिक्रीज हो जाएगा, और ये जो है ये आइस बाथ का बेसिक इक्विपमेंट है, ठीक है, ये यूजली इतना नहीं आता फिर तो फाइन। दूसरा जो है वो लाइबिक कंडेंसर है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम करते हैं लैब में तो उसमें इस्तेमाल होता है, वाटर इन वाटर आउट गैस डालते हैं, ठीक है। अब जो है वो ये तो थी कुछ और बात में, अब कलेक्टिंग गैसेज की तरफ आते हैं, तो कलेक्टिंग गैसेज जो है सबसे पहला तरीका जो है वो गैस सिरिंज है, कि डायरेक्ट गैस सिरिंज में आपकी गैस कलेक्ट होती रहे। दूसरा तरीका जो है वो ओवर वाटर है, ठीक है, या वाटर हो सकता है या कोई भी तो एक्वस सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अब ओवर वाटर और एनी एक्वस सोल्यूशन, तो यहाँ पे जो गैस जब कलेक्ट होती है तो वाटर लेवल जो है वो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कम होता रहता है, और ऊपर जो है वो स्पेस बनती रहती है, और स्पेस के अंदर जो है ना वो हम कहते हैं गैस कलेक्ट, ठीक है।
और गैसेस ऑलवेज बी कंटेमिनेटेड बाय स्पेस, सेफ्टी प्रिकॉशन गैसेस कॉन्ट्रैक्ट व्हेन अपैरेटस कूल्स. Gases contract when apparatus cools down, this creates solution, so gas collection should be separated before cooling down apparatus. ठीक हो गया. तो these are the two ways. ठीक है. और ये एक डायग्राम भी जो है वो शो हुआ है जो पेपर 5 में बनाने को भी यूजली आता है. ठीक है. उसके बाद ड्राइंग अ गैस तो अब्सॉर्ब मिक्सचर पास इफ थ्रू ड्राइंग डिहाइड्रिंग एजेंट्स. Dehydrating agents are using anhydrous salts, CaCl2 concentrated H2SO4. ठीक है. सो ये जो है ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो यूजली ज़्यादा नहीं आती. ठीक है. अब जब कलरीमीटर की तरफ आती हैं, सो कलरीमीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग अब्जॉर्बेंस एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ. ठीक है. ये कलरीमीटर की बेसिक जो है आपकी डायग्राम हम कह सकते हैं. तो जो डायग्राम है बेसिकली वो ये है कि यहाँ से लाइट सोर्स आती है, स्लिट है, लेंस है, लेंस से फिल्टर जाती है, क्यूवेट से फोटो सेल से पास करके कलरीमीटर जो है वो आपको इस किस्म का एक ग्राफ बना के दे देता है. ठीक है. हाँ जी. अब्जॉर्बेंस जो कलर इंटेंसिटी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. ठीक है. इफ फॉर एग्जाम्पल लाइट ब्लू है तो डायल्यूट CuSO4 सॉल्यूशन है. ठीक है. ये आपको पता है. बेसिक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक क्या होती है जी, मेजरिंग मास. ठीक है. कि अगर फॉर एग्जांपल अब आपको मेजरिंग मेजर करना है कोई चीज़, तो मास को मेजर कैसे करोगे, टॉप पैन बैलेंस में डालो. ठीक है. FA1. ठीक है. अब आपने सबसे पहले मास ऑफ कंटेनर, क्योंकि कंटेनर एम्प्टी कंटेनर का भी कोई ना कोई मास है. ठीक है. प्लस FA1 का मास मेजर करो, फिर मास ऑफ कंटेनर प्लस रेजिडुअल FA1 को मेजर करो, और फिर मास ऑफ FA1 माइनस करके मास ऑफ FA1 यूज्ड कर लो. ठीक है. फिर हाउ टू मेक अ सॉल्यूशन फ्रॉम एन अननोन मास, तो C1V1 इज इक्वल टू C2V2 से आप उसकी कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं. अब जो है वो आपके पास नेक्स्ट चीज है टाइट्रेशन टाइप्स. ठीक है. तो टाइट्रेशन टाइप्स में हमारे पास एसिड बेस है. ठीक है. और रिडॉक्स टाइट्रेशन है. ठीक है. ये दो हैं. एसिड बेस में क्या होती है जी, एसिड होता है विद एन अननोन कंसंट्रेशन. ठीक है. नोन कंसंट्रेशन की एक बेस होती है. पेपेट इज यूज्ड टू ट्रांसफर 25 cm³ इनटू कॉनिकल फ्लास्क, और फिर उसकी टाइट्रेशन अकॉर्डिंग टू दी करवाई जाती है, क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है. और ये टाइट्रेशन कर्व के चार किस्म के ग्राफ्स हैं जो यूजली आते हैं. ठीक है. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का देख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वीक एसिड वीक बेस के साथ. वीक एसिड वीक बेस का जो होता है वो इट नेवर रीचेस कंप्लीशन. ठीक है. और ये रेड मार्कर के साथ मैंने उनकी वर्टिकल रेंजेस मेजर की हुई है, और वर्टिकल रेंज इंडिकेटर शुड चेंज कलर विद दिस वैल्यूज. ठीक है. इन वैल्यूज में इंडिकेटर कलर चेंज करना चाहिए. रिडॉक्स टाइट्रेशन में हम KMnO4 डालते हैं, ऑफ कोर्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, पर्पल टू कलरलेस हो जाता है. ठीक है. और एंड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है इस टाइट्रेशन का, कि व्हेन KMnO4 स्टॉप्स टर्निंग कलरलेस रिमेंस पर्पल. ठीक है. आयोडोमेट्री भी एक इसी तरह का ये है आपका टेस्ट है. ठीक है. जो आता है ब्लू ब्लैक सोल्यूशन आयोडीन का, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड कलर चेंज इज वेरी ग्रेजुअल, पेल येलो होता है, फिर बहुत ज़्यादा पेल येलो हो जाता है. ठीक है. उसके बाद अगर आप स्टार्च ऐड कर दें तो अगर इफ आयोडीन इज प्रेजेंट तो कलरलेस हो जाएगा. ये आप इसका गिवन है आपका कि भाई ब्राउन था आयोडीन का कलर, हाइपो सोल्यूशन इन द ब्यूरेट डाला, पेल येलो, फिर मजीद पेल येलो,
स्टार्च डाला तो ब्लू हो गया, ठीक है। तो ब्लू कब तब होगा जब आयोडीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर कैलकुलेटिंग डेल्टा एच, फिर आपके पास जो और मजीद एक्सपेरिमेंट्स हैं वो डेल्टा एच की एक्सपेरिमेंट्स आती हैं एंथैल्पी चेंज निकालने की। सो उसकी जो है वो क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी होता है। एम इज दी मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, यूजली इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। डेल्टा टी इज टेम्परेचर चेंज, सी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18। इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा तो एक्सोथर्मिक, डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा तो क्यू की वैल्यू एंडोथर्मिक, ठीक है। मोलर एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी ओवर मोल्स, ठीक है। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू ओवर एन, ठीक है, माइनस क्यू ओवर एन। एरर्स ड्यू टू हीट लॉस, तो प्रिवेंट हीट लॉस के लिए इंसुलेटिंग जैकेट, लेड, स्टायरोफोम कप डालो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो है रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज एनी मेजरेबल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ जब कांस्टेंट हो जाएगा तो हम कहते हैं कि रेट कांस्टेंट हो गया है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अनदर रिएक्टेंट इन लार्ज एक्सेस, सो देयर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया शुड बी कॉन्स्टेंट। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। फिर कुछ ग्राफ्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर जो है वो डीकम्पोजिशन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या है कि जी मैग्नि स्ट्रॉन्ग हीटिंग, हीटिंग हीट टिल कांस्टेंट मास, रिपीटेडली हीट एंड रिवे अंटिल मास स्टॉप्स चेंजिंग, ठीक है। उस वक्त तक आप जो है वो उसको करते रहें जब तक मास चेंज होना रुक नहीं जाता। और इसके अंदर क्रूसिबल के अंदर हम ये इसको डालते हैं, ऊपर बॉइलिंग ट्यूब होती है और साथ बेंसन बर्नर होता है, ठीक है। जेंटल हीटिंग इज इनिशियली डन टू रिमूव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ड्रॉपलेट्स विल अपीयर ऑन द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ताकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर है तो वो निकल जाए। तो मेकिंग सोल्यूशन आ गई, बस दिस वॉज, ये थोड़ी सी ना ओवरव्यू था आपके तो पेपर 5 के बारे में कि किस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स आते हैं थोड़े से, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको ये मजा आ गया होगा, तो वीडियो में आपसे ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिर देने वाले लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो करें। थैंक यू एंड अल्लाह।